क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे कि ये रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है ना, और फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। हालांकि हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़े, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़े, है ना, लेकिन उतना मुश्किल सवाल जो है वो नहीं है। लेकिन अगर कोई कैलकुलेटर यूज करना चाहे तो उसकी भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है ना। हालांकि अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे तो उस कैलकुलेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसे कि मैं इसको सॉल्व करा करके बताता हूँ, अदरवाइज आपको हो सकता है कि लॉग टेबल देखना पड़े, कैलकुलेटर यूज करना पड़े, है ना। मैं लेकिन इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से कराता हूँ, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे हम, है ना। क्वेश्चन में क्या बताया गया, द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल फॉल्स फ्रॉम 700 पर सेकेंड टू 500 पर सेकेंड इन 30 मिनट्स, इट्स हाफ लाइफ इज क्लोज टू। तो एक्चुअली मैं इसमें जो है हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए नॉट, यह है एक्टिविटी, ये इनिशियल एक्टिविटी, ई पावर माइनस लैम्डा टी, है ना। तो ए नॉट ई पावर माइनस, जो लैम्डा है इसको आप लिख सकते हैं लॉग टू डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ इंटू टी, ठीक। तो ये ए दिया गया है 500, इसको ए नॉट को 700 ले सकते हैं, है ना। और ये जो टाइम दिया गया है ये 30 मिनट्स दिया गया है। तो टी हाफ यहाँ, टी हाफ जो है यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको हो सकता है कैलकुलेटर यूज करना पड़ जाए, है ना। लेकिन मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। एक तरीका और है जिसको हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानना चाहते हैं कि एन हाफ लाइफ के बाद कितने एक्टिव न्यूक्लियाई बचे होंगे। तो एन का वैल्यू हम लोग लिखते हैं एन नॉट इन टू टू पावर एन, जहाँ पर एन क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। वीडियो लेक्चर में मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव कराया हुआ है, हर जगह वैसे ड्राइव करा जाता है, बहुत जगह फॉर्मूला ये आप देख सकते हैं, है ना। तो इसमें एन जो होता है ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है। अगर इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियाई एन नॉट है तो एक हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, एन का वैल्यू वन रखेंगे तो एन नॉट बाय टू, दो हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, यहाँ पर टू रखेंगे तो ये हो जाएगा फोर्थ, ए नॉट बाई फोर रह जाएगा, है ना। और हमें पता है कि अगर इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो ये एक्टिविटी बन जाता है। लैम्डा इन क्या होता है, डी एन बाई डी टी, डी एन बाई डी टी को एक्टिविटी कहते हैं हम लोग। तो ये एक्टिविटी हो जाएगा, ये इनिशियल एक्टिविटी हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू पावर एन, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ए जो है दिया गया है 500, ए नॉट है 700, टू पावर एन, है ना। तो यहां से लिखा जा सकता है टू पावर एन इज इक्वल टू 7/5, है ना। 7 जो है इसको मैं लिख सकता हूं 14 और नीचे लिख सकता हूं 10, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये आएगा 1.4, ठीक। हमें पता है कि रूट टू जो होता है वो 1.414 के बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो है अप्रोक्सीमेटली 2n का वैल्यू, रूट टू का मतलब 2^1/2, ये जो है अप्रोक्सीमेटली 1.4 आएगा, ये 1.414 होता है अप्रोक्सीमेटली, इतना बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो n है वो 1/2 होना चाहिए, n का वैल्यू 1/2 है। n क्या था, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, यानी 1/2 इंटू टी हाफ, ये हो गया टाइम, ठीक है, जितना देर में हम लोग एक्टिविटी निकाल रहे हैं। और वो टाइम क्वेश्चन में दिया गया है, वो दिया गया है 30 मिनट्स, है ना। तो यहां से देखेंगे टी हाफ आएगा कितना, 60 मिनट्स, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो आंसर भी अप्रोक्सीमेट आएगा। देखेंगे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं 66 मिनट, 52 मिनट, 72 मिनट और 62 मिनट। तो 62 मिनट जो है वो सबसे क्लोज आंसर है, इसलिए इसको हम लोग करेक्ट आंसर बताएंगे।